वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरू से एंड तक की फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल ए, यह सारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल बी का प्रयोग वर्ड या सेंटेंस को सेलेक्ट करके बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज मैं टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी करता हूँ तो यह बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपको यह टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया जो है कॉपी करके यहाँ लेना है, तो हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल डी का प्रयोग जो है हम फोन, फोन के स्टाइल, फोन के साइज और फोन के इफेक्ट्स के लिए करते हैं। पल सेंटर के लिए किया जाता है, किसी वर्ड या सेंटेंस को सेंटर में लेने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल ई। अब कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल फाइंड के लिए किया जाता है, जैसे कि हमें टाइपिंग कहाँ कहाँ है इसे ढूंढना है, तो हम कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम टाइपिंग लिखेंगे। जैसे टाइपिंग हम लिख रहे हैं यहाँ, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ टाइपिंग है वह हाइलाइट्स हो जाती हैं, टाइपिंग आपको दिखने लगता है। कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। सपोज मानिए हमें पेज, सेक्शन, लाइन या बुकमार्क वगैरह को फाइंड करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पेज नंबर लेना है 5, तो हम यहाँ 5 डालेंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे, तो देखेंगे आप जो है 5 नंबर पेज पे पहुँच जाते हैं। कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग हम फाइंड और रिप्लेस के लिए करते हैं। मान लीजिए मुझे गिनीज को इंडिया में रिप्लेस करना है, तो हम सबसे पहले फाइंड वर्ड में गिनीज लिखेंगे, रिप्लेस में जो है हम इंडिया लिखेंगे और यहाँ पे जाके हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं, आपका ये जो है गिनीज जो है कन्वर्ट हो जाता है इंडिया में। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग इटैलिक के लिए किया जाता है। मान लीजिए मुझे टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया को इटैलिक करना है, तो हम कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम इटैलिक करेंगे, तो आप देख पा रहे हो टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया कुछ तिरछा सा आपको दिखेगा। कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग हम जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। जस्टिफाई का प्रयोग हमेशा ज़्यादातर आपको पैराग्राफ में ही होता है। जैसे कि मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं जब कंट्रोल जे का प्रयोग करूँगा, तो ये देख पा रहे हैं कि आपका ये सारा पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाता है, राइट हैंड साइड से एक दूसरे के नीचे जो है सेंटेंस आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हम हाइपरलिंक्स बनाने के लिए करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक खुल जाता है। सपोज मैं डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, यह स्मृति है, रोल नंबर 200, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखेंगे स्मृति रोल नंबर 200, ये डॉक फाइल जो है हाइपरलिंक्स बन जाती है। इसी प्रकार से अपनी करंट फाइल को भी हम हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग हम लेफ्ट के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया हमारा राइट में है और इसे हमें लेफ्ट में लेना है, तो हम कंट्रोल और एल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जैसे ही हम कंट्रोल एल दबाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग हम टैब सेटिंग के लिए करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे इसे पैरा बनाना है, जैसे कि कंट्रोल एम दबाते हैं, तो आप देखेंगे ये एक पैरा बन जाता है। एज ए टैब का इस्तेमाल जिस तरह से हम करते हैं, वैसे हम कंट्रोल एम के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर हम दोबारा दबाते हैं, तो ये एक बार और जो है ये टैब की तरह आगे की तरह बढ़ जाएगा। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग हम नई फाइल बनाने के लिए करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एन दबाते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग हम अपनी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए, यानी ओपन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल ओ दबाते हैं, तो हमारे जो रिसेंटली पीसी या किसी भी जगह पे आपकी फाइल एंड फोल्डर है, वहाँ से हम इसे खोल के यहाँ से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल पी जैसे ही हम दबाते हैं, आपका जो है प्रिंट कमांड ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अपने प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करके अपने पेज को प्रिंट दे सकते हैं।
कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग हम राइट के लिए करते हैं। मान लीजिए मुझे विनोद कुमार चौधरी को लेफ्ट से राइट को लेना है, तो हम कंट्रोल आर दबाएंगे और आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में हमारा विनोद कुमार चौधरी का मैटर चला गया। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हम सेव के लिए करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। सपोज मैं एक ये टाइप कर रहा हूं, और अगर इस मैटर को हमें सुरक्षित करना है, नेक्स्ट टाइम अगर हमारी फाइल खुले ये दिखे, तो इसके लिए हम कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे और यह फाइल हमारी सेव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर हमें टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया से लेके और रेयर नेम इन द वर्ल्ड तक इसे अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल यू का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग हम अपनी फाइल को सेव करके बाहर आने के लिए करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल और डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, हम अपनी फाइल से बाहर आ जाते हैं। तो इस कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग हम कट के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको यह मैटर यहाँ नहीं चाहिए, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे और यह विनोद कुमार चौधरी के नीचे चाहिए, तो हम एक एंटर मारेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, तो इस प्रकार से हम ये पेस्ट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग हम रीडो के लिए करते हैं। सपोज मान लीजिए आपने कंट्रोल जेड का प्रयोग किया हुआ है और इसको वापस जो है हमें लाना है, तो हमें कंट्रोल वाई करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल वाई करेंगे, तो आपका जो है ये रीडो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग हम अंडू के लिए करते हैं। अंडू मतलब जो हमसे बाई दबे, मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं टाइपिंग मैन ऑफ इंडिया को और हम इसे डिलीट करते हैं और यह गलती से हमारा जो है डिलीट हो गया है, इसे वापस लाना है, तो हम कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अंडू का प्रयोग होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।